राघवेंद्र हमारे साथ वाराणसी से कनेक्ट है। राघवेंद्र, देखिए आज सच की घड़ी है ज्ञानवापी को लेकर के, अपडेट सबसे पहले दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला अपडेट ये है कि यह लग रहा था, ये जो दोनों पक्ष की सुनवाई हो चुकी है, हिंदू पक्ष की भी सुनवाई हो चुकी है, मुस्लिम पक्ष की भी सुनवाई हो चुकी है, आज ऑर्डर का डे था, तो ये हो रहा था कि 11 बजे हो सकता है कि जो पहला केस है, जैसे ही कोर्ट खुले, जज साहब आए, 11 बजे ऑर्डर सुना देंगे। लेकिन नहीं, जब केस लिस्टिंग हुई तो पता चला कि 4 बजे के करीब केस का नंबर आएगा, तो 4 बजे तक वेट करना पड़ेगा। मैं बनारस में ही रहूँगा और ऑर्डर का इंतजार करूँगा। इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, 1991 का मामला जरूर है, लेकिन इसमें जो नई मांगे हैं वो यह है कि जो पूरे ज्ञानवापी परिसर का जो सर्वे हुआ है, उसमें जो वजूखाना मिला है, जिसमें हिंदू पक्ष बता रहा है कि वो जो शिवलिंग है वो शिवलिंग है, तो उसका सर्वे होना चाहिए, और वह कितना प्राचीन है, कितना उसका आधार है, कितना उसकी पूरी लंबाई है, ये पूरी जानकारी सर्वे के द्वारा पता चलेगा। तो ये हिंदू पक्ष मांग रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष कहना है एक सर्वे हो चुका है, अब सर्वे की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्ष है वो नहीं चाहता कि जो उनका वजूखाना है वो पता चले कि ये प्राचीन यही शिवलिंग है। तो जो ज्ञानवापी का सर्वर तो प्रांगण का हो चुका है जैसा कि ऑर्डर आया था, लेकिन ये जो वजूखाना मिला है, जिसको मुस्लिम पक्ष वजूखाना बोलता है और हिंदू पक्ष उसको शिवलिंग बता रहा है, तो आज वो जो एडिशनल मांग थी, यानी कि हिंदू पक्ष ने जो अतिरिक्त मांग की थी कि ये जो बचा हुआ जो हिस्सा है जिसमें शिवलिंग हिंदू पक्ष बताता है, इसकी भी जांच हो, इसकी भी पूरी तरह सर्वे हो, वैज्ञानिक आधार पे हो, शास्त्रों के आधार पे हो, जो भी प्रमाण हो, इसके लिए हिंदू पक्ष ने तमाम तथ्यों को रखा है, प्राचीन जो भी पुस्तकें हैं, जो बड़े बड़े राइटर्स के, यहाँ तक जो चाइना के जो राइटर हैं, ब्रिटेन के जो राइटर हैं, तमाम लोगों के। बिल्कुल राघवेंद्र, और आज का जो दिन है वो अपने आप में इस पूरे प्रकरण को लेकर बेहद खास रहने वाला है, और फैसला आखिर कोर्ट की तरफ से क्या कुछ यहां पर दिया जाता है। लेकिन आपको बताएं कि इस फैसले की घड़ी को लेकर आखिर ये पूरा वो जो मामला है वो जुड़ा हुआ है पूजा के अधिकार को लेकर, और वहीं कोर्ट के आदेश पर पहले दरअसल इससे सर्वे करवाया गया है, एसआई की तरफ से सर्वे किया गया है पूजा को लेकर। कोर्ट में जिरह पूरी हो चुकी है, दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपनी जो तर्क हैं वो रखे जा चुके हैं, और वहीं 19 अक्टूबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो बहस है वो यहां पर पूरी हो चुकी है। हिंदू और मुस्लिम जो दोनों पक्ष हैं वो अपनी अपनी बातें कोर्ट के सामने रख चुके हैं, जो दलीलें हैं वो अपनी अपनी अभी तक रख चुके हैं। वहीं कोर्ट ने अपना फैसला इससे पहले सुरक्षित रख लिया था, और आज जो फैसले की घड़ी है वो यहां पर आ चुकी है, यानी कोर्ट अपना फैसला आज इसे लेकर सुनाने वाला है कि आखिर जो दोनों ही यहां पर पक्ष है उनकी तरफ से जो सबूत रखे गए हैं, जो एएसआई का सर्वे हुआ है, उसके बाद किसके हक में यह फैसला जाता है, इस पर सबकी निगाहें। दरअसल ये जो पूरा फैसला है राघवेंद्र, इसको समझना जरूरी है कि पिछले साल जो एसआई सर्वे हुआ था वो पूरे परिसर का नहीं हुआ था। इस बार जो मांग है लॉर्ड विश्वेश्वर को लेकर के कि पूरे परिसर का सर्वे हो, उसमें वो 4 फीट गड्ढे की भी बात कर रहे हैं जो गुंबद के इर्द गिर्द है, और साथ ही साथ इस मामले में जो हिंदू पक्ष है वो अपनी दलील रख चुका है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि ये तो अनावश्यक है। तो क्या ये मान के चले कि आज जो होगा वो आगे की तस्वीर को भी साफ करेगा और बहुत कुछ स्पष्ट कर देगा? बिल्कुल, देखिए राम मंदिर पर जो फैसला आया था तो कहीं ना कहीं जो वहाँ पर सर्वे हुआ था, सर्वे ही सबसे प्रमुख आधार था, सर्वे के ही आधार पे पता चला था कि वहाँ पर जो मस्जिद का निर्माण है वो मंदिर तोड़ के निर्माण किया गया है, और इसीलिए बाबरी विध्वंस को सही माना गया था, और आज वहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यह जो हिस्सा बचा हुआ है, यानी कि जो शिवलिंग का हिस्सा है, जिसको हिंदू समाज शिवलिंग बताता है, अपने आराध्य को बताता है, अगर इसका भी सर्वे हो जाएगा तो संपूर्ण ज्ञानवापी का सर्वे हो जाएगा। उसके बाद यह मामला जब हाईकोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो जो जज हैं उनको फैसला देने में दिक्कत नहीं होगी। यह बहुत ही सतही लड़ाई जारी है जो वाराणसी कोर्ट में इस समय चल रही। हालांकि पूजा के अधिकार को लेकर जो 5 वादिनी हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट भी पहुंची हैं। वो भगवान जो शिवलिंग मिला है, जिसको वजूखाना मुस्लिम बोलता है, उसका पूजा का अधिकार मांगने गई है वहां पर हाईकोर्ट में। उसका मामला चल रहा है, उस पर तारीखें लग रही हैं, अभी 2-4 दिन पहले भी मामला लगा हुआ था कोर्ट में। लेकिन आज का जो है जो अतिरिक्त मांग है वह यह बताएगा कि जो शिवलिंग मिला है मंदिर में ज्ञानवापी में, वो उसको भी क्लियर कर लिया जाए कोर्ट के द्वारा कि आखिर वो वजूखाना है या शिवलिंग है, और शिवलिंग है तो कितना प्राचीन है, 1000 साल पुराना, 2000 साल पुराना, 3000 साल पुराना, ये पता तो चले। चूंकि आज विश्वेश्वर कहा जाता है कि ये पूरे विश्व की सबसे प्राचीन नगरी है काशी,
अब काशी में आदि विश्वेश्वर भोलेनाथ शिवलिंग जिसपे हिंदू समाज दावा कर रहा है कि इनसे प्राचीन। बिल्कुल राघवेंद्र, और नजर सभी की इस पर बनी हुई है, लगातार अब इस फैसले का इंतजार किया जा रहा है, क्या कुछ कोर्ट का रुख रहता है ये भी देखने वाली बात होगी। और अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता देते हैं कि आखिर ज्ञानवापी का विवाद है क्या। ज्ञानवापी को लेकर के हिंदू पक्ष का दावा यहाँ पर सामने आया, विश्वेश्वर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है, ये दावा हिंदू पक्ष कर रहा है, और इसी को लेकर के औरंगजेब ने आदेश दिया था। और इसके अलावा इस विवाद में क्या कुछ खास आपको बता दें, औरंगजेब के आदेश पर मंदिर तोड़ा गया था ये कहा गया है, और यही दावा जो है हिंदू पक्ष कर रहा है। हिंदू पक्ष तब से मंदिर की लड़ाई लड़ रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद जो है वो तामील की गई। अंग्रेजी शासन के समय भी केस चला था और इसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है हिंदू पक्ष द्वारा, और इसको लेकर के 2021 में 5 महिलाओं ने याचिका दाखिल की थी, और इस याचिका में साफ तौर पर इस बात का यहाँ पर जिक्र किया गया है। महिलाओं ने यहाँ पर इस पूरे मसले को लेकर के इस याचिका में साफ तौर पर कहा है कि ये मंदिर ही था जिसे तोड़ करके यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है। और लगातार देखिए ज्ञानवापी विवाद किस तरीके से बरपा हुआ था, किस तरीके से यहाँ पर इसको लेकर के तमाम अपडेट सामने आए, एसआई सर्वे को लेकर के जिस तरीके से वाद विवाद हुआ, दोनों ही पक्षों की तरफ से अपने अपने जो दलीलें हैं वो पेश की गई थी। सर्वे के दौरान मस्जिद में मंदिर के सबूत भी मिले थे, तो तमाम सबूत जो है वो यहाँ पर इकट्ठा किए जा रहे हैं, और इसको लेकर के लगातार जो जांच है वो भी की जा रही थी। लेकिन मस्जिद के वजूखाने को सील कर दिया गया था, और ये भी मांग की गई कि कोर्ट ने जिस तरीके से श्रृंगार गौरी के पूजा की इजाजत भी दी, और ज्ञानवापी का जो विवाद है आज यहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा की, जहां पर अमरोहा में हड़कंप मच गया। आपको बताएं कि लोग अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर अब परेशान होते नजर आ रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि सुबह तड़के ही बच्चों की जो स्कूल बस है उसे लेकर वो जा रही थी, तो एक बस पर कुछ बदमाशों की तरफ से जो ताबड़तोड़ फायरिंग है वो यहां पर की गई है। आपको बताएं कि आखिर ये पूरा मामला आखिर किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के अमरोहा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब स्कूल बस पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बाइक सवार कुछ बदमाश आए और बच्चों से भरी स्कूल बस पर गोलियां बरसाने लगे। फायरिंग की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा और बच्चे डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे। बच्चे डरे हुए हैं। अपने पिता से गले लगकर रोती इस लड़की की तस्वीर बयां करने के लिए काफी है कि उस वक्त बच्चों पर क्या गुजरी होगी जब बदमाशों ने उनकी बस पर फायरिंग की, जब गोलियों की आवाज सुनाई दी, जब बच्चों का मौत से सामना हुआ। वो तो गनीमत रही कि इस वारदात में कोई बच्चा घायल नहीं हुआ और ना ही कोई अनहोनी हुई, वरना अमरोहा से लेकर लखनऊ तक तूफान मचना तय था। मेरे साथ में अगले से गाड़ी लेकर आ रहा था सुबह 7:40 समथिंग, और जो है 3 मिनट में रोक के गाड़ी पे हमला करा, तब बच्चे फायरिंग करी और कड़े से पत्थरों से गाड़ी पे हमला करा, फिर गाड़ी में 80 भगा के उसको मिल गया। कितने बच्चे सवार थे बस में? बस के अंदर 28 बच्चे थे।